कोरोना केस कम होने से श्रीनगर में कैसे जुटने लगे हैं पर्यटक, अब आपको यह दिखाते हैं। घाटी में घूमने आए लोग लापरवाही बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर भी पालन नहीं कर रहे हैं लोग, लोगों को ठीक से मास्क पहनने की भी चिंता नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कश्मीर घाटी से भी सामने आ रही हैं, जहां पर श्रीनगर में लोग कोरोना गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे। लोगों की लापरवाही पर श्रीनगर से देखिए हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी की रिपोर्ट। झील के पास आप देख सकते हैं, यहाँ शिकारा एक बार फिर से हलचल में दिख रही है, क्योंकि सैलानी अब कश्मीर घाटी का रुख करने लगे हैं। चाहे डल झील की बात करें, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसी हसीन वादियों की बात करें, लेकिन 10 में से मुश्किल से एक व्यक्ति आपको मास्क लगाते हुए दिखेगा। थोड़ा आगे अगर मुर्तजा दिखाएं, आप देख सकते हैं जितनी भी शिकारा में यहाँ पर सैलानी जो है जो सैर कर रहे हैं डल झील की, ना ही शिकारा चालक मास्क पहने हुए हैं, ना ही सैलानी मास्क पहने हुए हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, ये नज़ारा है डल झील से, और जो तस्वीरें बाकी हिल रिजॉर्ट से दिख रही है वो भी जो है हैरान कर देने वाली है, क्योंकि अगर लोग इस तरह की गफलत दिखाएंगे तो देश जो है कहीं ना कहीं हम खुद ही कोरोना की तीसरी वेव की ओर धकेल रहे हैं। तो इससे जो है लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर दूसरी वेव के तुरंत बाद ही अब जब लॉकडाउन में ईज कर दिया गया यानी अनलॉक कर दिया गया, तो लोग जो है एक बार फिर से गफलत में आ रहे हैं। और आइए अब आपको जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थलों से सीधे राजस्थान लिए चलते हैं। राजस्थान के माउंट आबू में भी पर्यटकों का सैलाब उमड़ा हुआ है। माउंट आबू में बिना मास्क के बेखौफ घूमते हुए कई सैलानी नजर आ रहे हैं। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मानो लोग भूल गए, और कई बार लोग जब टीवी कैमरा देखते हैं तो मास्क लगा लेते हैं। आमतौर पर ये मास्क या तो लोगों के चिन पर या गले पर लटका होता है। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए तमाम लोग TV9 भारतवर्ष की टीम को नजर आए। कोरोना नियम का पालन करवाने में प्रशासन के भी पसीने छूट रहे हैं। बार बार पुलिस प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट किया जाता है, समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।